खाना शुरू की आज से। अच्छा, आज से गुरुवार से रात्रि में ये खाना शुरू की। क्यों शुरू की हूँ आपको बताऊंगी मैं। खा लेती हूँ, पहले बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे याद नहीं है कितने साल के बाद मैं रात में ये खा गई पहली बार। हाँ, अंशु तो देखा ही नहीं है मुझे खाते। ये खाती थी गुरुवार के दिन। हाँ, इसको क्या बोलते हैं अंशु? अरे फ्रेंच फ्राई टाइप ना। हाँ वही जो आप समझ लो। हाँ फ्रेंच फ्राई टाइप का बिना नमक का। हाँ पहले सिर्फ ये खाती थी मैं, अब ये खा रही हूँ आलू का भुजिया बिना नमक का। अंशु इसे बचने का वेट करता है कि कितना बचा, तो ऐसे ही खाता है नमक ऊपर से ऐसे कर। बहुत सारा जब मैं ये खाती हूँ सर, इसके अंदर बहुत सारा मिर्ची डालती हूँ, बहुत सारा। ये तो रेड चिली सूखा हुआ है। अभी बात कर लेती हूँ ना, और ऐसे ही खाती हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज मैं सोची हूँ कि आप सबके उन क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर दे दूँ। बैक साइड मत देखना। और मैं आज अपने बच्चे के रूम में बैठ के ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो पीछे बच्चे का स्टडी टेबल का आपको सब कुछ दिख रहा होगा, बैग वैग सब। तो मैं सोची कहीं भी बना लेते हैं, क्या करना है, कौन स्टूडियो बना के बैठे हैं ना, तो ठीक है। और आपको मैं थोड़ी थकी हारी और थोड़ी अलग टाइप की, हाँ आज मेरा थर्सडे है, फास्ट है, और इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा, और अपने बाल को भी ठीक नहीं क्यों और आ गई हूँ। बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सोची कि उन सब के कमेंट जो है, एक मैं वीक का कोई ए वन डे ऐसा सेलेक्ट करूँगी जो आपके सबके जितने कमेंट होंगे उन सबके ऊपर में जवाब, ठीक है। तो पूरे वीक में मोस्टली मुझे एक कमेंट सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। तो उस कमेंट आया है, मैम आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो, बहुत बड़बड़ करते हो यार। उसके बाद थर्ड जो मैसेज आता है, इतनी बकवास कौन सुनेगा। उसके बाद सबसे लेटेस्ट मैसेज जो आज मुझे मिला है, अरे यार इतनी शॉर्ट वीडियो में कैसे कोई समझेगा, जो आज मैं अपना अपलोड की हूँ मैं, ये क्या बोलते हैं, कौन सा क्या अपलोड की हूँ मैं आज, नहीं नहीं मेकअप ट्यूटोरियल है ना। तो उसको मैं सोची कि चलो मैं 3 मिनट्स में निपटा डालती हूँ, तो 3 मिनट्स में बनाई। तो मुझे मैसेज आया, इतना शॉर्ट में इतना फास्ट में क्यों बताया हो, थोड़ा डिटेल में भी बता सकते थे। तो बताए मुझे ना बचपन की एक कहानी याद आ गई। मेरे शायद आप सबके क्वेश्चन का, आपने जितना भी मुझे 1 वीक में क्वेश्चन किया ना, इतनी लंबी वीडियो, इतना लेक्चर क्यों झाड़ते हो, इतना शॉर्ट वीडियो, इतना दिस इतना डैट, उस सबका शायद आपको इस जो मैं आपको आज एक स्टोरी टेलर बन जाती हूँ, जो स्टोरी बोलते हैं ना वो बन जाती हूँ, तो आप सबके सारे क्वेश्चन का जवाब शायद मेरे इस स्टोरी में हो। स्टोरी शुरू करती हूँ मैं। अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा वीडियो तो डिसलाइक कर देंगे, लेकिन बंद मत कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हों जिन्हें स्टोरी सुनना अच्छा लगता हो, उनके हाथ में मोबाइल दे दें, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी दे सकते। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी जो हैं, वो सोचे कि चलो बहुत दिन स्वर्ग में हो गया, थोड़ा कहीं बाहर घूम के नहीं आए, तो चलो आज थोड़ा पृथ्वी लोक का दर्शन करने जाते। तो शंकर भगवान, जिन मोस्टली सबको पता होगा कि वो उनकी जो सवारी है वो बसहा है, यानी कि वो बैल के ऊपर ही बैठते हैं ना, हाँ बसहा पे बैठते हैं वो, उनकी उस पर उनकी सवारी है। तो वो और पार्वती जी और तीनों पृथ्वी लोक पे आए, मतलब कि दर्शन लोगों को देखने के लिए कि लोग कैसे रहते हैं क्या करते हैं, और घूमने आए, मेन घूमने आए, ठीक है। तो जब वो पृथ्वी पे आए तो ऐसा हुआ कि शंकर भगवान बोले पार्वती जी को कि ऐसा करो पार्वती कि तुम जो हो सो बसहा के ऊपर बैठ जाओ। और वो पार्वती जी बैठ गई, जो उनकी जो शंकर भगवान की जो सवारी थी उसके ऊपर बैठ गई, और शंकर भगवान जो है वो रस्सी पकड़ के साथ साथ
पैदल चलने लगे। कुछ दूर वो आगे गए तो कुछ गांव वाले बैठे थे, तो वो शंकर भगवान को देखे, पार्वती जी को देखे, वो लोग रूप बदल के आए थे। तो बोले क्या कि बड़ा बेवकूफ इंसान है, हाँ कैसी बेवकूफ बीवी है जो खुद तो बैठी है और हस्बैंड जो है वो खड़ा होके चल रहा है, मतलब हस्बैंड चल रहा है और बीवी खुद बैठी है। शंकर भगवान सोचे क्या कि बात में दम है, पार्वती जी सोची कि बात में दम है, सो सब लोग सही कह रहे हैं, मुझे खड़े होना चाहिए और शंकर जी को बैठना चाहिए। तो किसी थोड़ा दूर आगे गए और फिर क्या हुआ कि माता पार्वती जो है वो बसा के ऊपर से नीचे आके खड़ी हो गई और शंकर भगवान बसा के ऊपर बैठ गए। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दूर आगे गए, यानी कि शंकर भगवान पीठ पे बैठे थे बसे के और माता पार्वती जो थी वो रस्सी पकड़ के साथ में चल रहे थे। कुछ दूर आगे गए तो फिर कुछ लोग देखे उनको और बोले कि क्या कैसा इंसान है ये, खुद तो ये बसा के ऊपर बैठा है, बीवी जो है सो की रस्सी पकड़ के चल रही है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है इस इंसान को, ठीक है। शंकर भगवान पार्वती जी भी फिर सोचे कि सही है भाई, ऐसा करते हैं कि हम दोनों उतर जाते हैं और दोनों जो है सो की चलते हैं और बसा को बस ऐसे ही लेके चलते हैं। दोनों क्या हुआ, पार्वती माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों जो है सो की बसा के ऊपर से उतर गए और रस्सी पकड़ के शंकर भगवान चलने लगे। कुछ दूर फिर आगे गए, कुछ लोग और मिल गए उनको, देख करके कह हंसने लगे कुछ लोग, बोले अरे यार कितना बेवकूफ इंसान है ये, मतलब सवारी के होते हुए भी दोनों जो है उस पे बैठ नहीं रहा है और पैदल चल रहा है, ठीक है। फिर शंकर भगवान कहे कि बात में तो श्रम है, चलो हम दोनों बसहा के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों बसहा के ऊपर बैठ गए, उसके बाद फिर कुछ दूर चलने लगे, कुछ दूर गए तो फिर कुछ लोग मिले और वो दोनों बड़े आश्चर्य में आ गए, बोले कि कितना निर्दयी इंसान है ये, इतना बेचारे निर्जीव प्राणी के ऊपर हाँ दो दो की सवारी हो गई है, कैसा वो तो बोल नहीं सकता है लेकिन इसको क्या शर्म नहीं है कि एक निर्जीव प्राणी के ऊपर दो आकर के बैठ गए। शंकर भगवान बोले क्या कि ये भी सही है, हाँ तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों उतर जाते हैं और बसहा के को क्या करते हैं कि एक वो जो बैलगाड़ी होता है उसके ऊपर बसहा को जो है जो होता है बुल्लक कार्ट जिसे बोलते हैं उसके ऊपर उसको कैरी कर देते हैं और हम दोनों भी साथ में बैठ के जाते हैं। फिर कुछ दूर गए, फिर गांव वाले उनको घेर लिए कि अरे कितने बेवकूफ इंसान हो, तुम्हारे पास सवारी है फिर भी तुम सवारी किए हो और तुम दोनों उस पे बैठे हो। शंकर भगवान बड़ा दुखी हुए माता पार्वती के साथ उतरे बैलगाड़ी से और जो वो उनकी सवारी थी बसहा उसके साथ जो है स्वर्ग लोक में पहुंच गए। उसके बाद आकर के बोले कि इसे कहते हैं पृथ्वी लोक। से आपको क्या सीख मिलती है, आप कुछ भी करोगे, कुछ भी मीन्स अगर आप दुनिया की सुनते हो तो आप कुछ भी करते हो तो दुनिया आपको बोलती ही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी तो मुझसे जो जो आज दुखी है वो खुश हो जाएगी, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि जो आज आपसे दुखी है वो खुश हो जाए। या फिर आप किसी को खुश करने के लिए कुछ करने बैठते हो, कभी कोई खुश नहीं होगा, ये दुनिया का दस्तूर है। तो मैं इस कहानी को ना मेरी दादी जो है मेरे बचपन में मुझे सुनाई थी कि बस ऐसे ही, मुझे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था और आज भी मैं स्टोरी सुनती हूँ अपने बच्चों को सोने के पहले, अपनी भी आज भी जब मुझे वीक में एक दिन भी टाइम मिलता है तो मैं अपने दोनों बच्चों को जरूर स्टोरी सुनाती हूँ। इस स्टोरी से जो आपको सीख मिली है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मैं इस स्टोरी को अपने दिमाग में रखती हूँ इस कहानी को कि, और आप लोगों को जो मैं इस स्टोरी से सीखी हूँ बचपन से लेकर के आज तक वो आपके साथ शेयर करती, हो सकता है गलत हो, आपकी सोच में कुछ अगर इसका मतलब और आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। करो अपने मन की, जो आपको लगे कि ये आपके लिए सही है, दुनिया आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया आपको बोलेगी, अगर आप बुरा करते हो तब तो दुनिया आपके पीछे पड़ ही जाएगी।
कोई भी अगर आप दुखी हो या फिर आप कष्ट में हो तो कोई भी जो है आपकी मदद करने नहीं आता है। लोग आप अगर आप कष्ट में होते हो ना तो 10 लोग आपका मजाक उड़ाने जरूर आ जाते हैं, अरे देखो इसको तो मैं ऐसे बोला था लेकिन ये ऐसे किया तो ये ऐसा हो गया है ना। इसलिए एक बात मेरी आप गांठ बांध ले, हो सकता है आप लोगों को मैं गलत लगूं, फिर भी मैं बोलूंगी कि जो आपके दिल को लगे कि ये सही है वही काम आप करें। दुनिया को अगर आप खुश करने लगते हो ना, अगर आप सबको चाहते हो कि आप खुश करके रख सको, तो वो तो भगवान शंकर और पार्वती भी नहीं कर पाए, तो हम तो इंसान है, हमारे तो बस की ही बात नहीं कर रहा। सिर्फ सिंपल मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो 10 लोगों के कमेंट आते। हाँ मैं 2 मिनट के लिए दुखी होती हूँ, लेकिन जब मैं अपने पापा से बात करती हूँ ना फिर मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा की जो बात होती है ना वो बहुत सही होती है। करो अपने मन की, जो तुम्हारा दिल कहता है कि ये तुम करोगी तो ये सही है वही करो। उसके आगे तुम ये मत देखो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। कहने वाले तो आपको हर एक चीज में, अगर आज आप फटा कपड़ा पहन के निकल देते हो तो जो 2 लोग आपको हंसते हैं क्या वो 2 लोग आपका आपको आपका फुलफिल करेंगे? दूसरी बात, दुनिया उसी को हंसती है या उसी के पीछे पड़ती है जब जिसको उसको पता होता है, आपका नब्ज पता हो जाता है उसको कि इसमें ये कब इसको मैं ये बोलूंगा ना तो ये बस इसको जहां मैं ये बोलूंगा ना कि ये इसको इसको लगने वाला है, तो आपके उस नब्ज को पकड़ करके और आपको बोलती है। मुझे जब बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप बहुत वीडियो को लंबा बना देते हो, आप बहुत वीडियो को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंपल उस मैसेज को रिमूव कर देती, क्योंकि ना मैं वो मैसेज देखूंगी ना मुझे मेरा दिमाग खराब होगा। तो इस टाइप के जो मैसेज आते हैं, और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा रही है मेरे ऊपर, मुझे मैसेज में बस इतना ही आता है, आप तो मैसेज बहुत लंबा बना देते हो, फिर मैसेज आता है आपने इतना शॉर्ट वीडियो क्यों बनाया। मीन्स आप सेटिस्फाइड किसी को भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊं तो भी वो लोगों को बोर करता है, अगर मैं 8 मिनट का वीडियो बनाऊं तो भी लोगों को, मैं सोची कि चलो यार 10 मिनट का वीडियो लोगों को बोर करता है, 5 मिनट का वीडियो बना देता हूं। जब मैं 5 मिनट का वीडियो बनाई तो फिर मुझे मैसेज आया, मैम ये वीडियो तो आप 2 मिनट में भी अरे भैया टिकटॉक थोड़ी है, तो 16 सेकेंड के अलावा या 1 मिनट के अलावा आप वीडियो नहीं बना सकते हो। तो मैं तो शुरू में स्टार्टिंग में मुझे बड़ा टेंशन होता था कि यार क्या करूं मैं, 10 मिनट का वीडियो में भी लोगों को परेशानी है, 8 मिनट के वीडियो में भी लोगों को परेशानी है, अब तो 5 मिनट का बना रही हूं तो भी परेशानी है। फिर मुझे ये स्टोरी याद आया कि आप खुश किसी को नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को खुश कर लो कि मैं जो ये कर रही हूं इसमें मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। आज मैं खुला बोलती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं खुश हूँ इससे, मेरे दोनों बच्चे खुश हैं, मेरे हस्बैंड खुश हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो खुश हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ नहीं है एक मदर इन लॉ है वो खुश हैं। उसके अलावा गिव एंड टेक होता है, कोई भी रिलेशन में आप गिव एंड टेक होता है, अगर आप किसी को करते हो तो वो आपको करेगा, अगर आप नहीं करते हो तो वो आपको नहीं करेगा। तो यही है, तो मैं यही सोचती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत